चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रपति भाग पांच का सबसे पहला शीर्षक राष्ट्रपति का। भारत के राष्ट्रपति, इनको सम्मान देने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? महामहिम। यही भारत के राष्ट्रपति किस किस रूप में जानेंगे? संवैधानिक, देश के संवैधानिक प्रमुख, देश के संवैधानिक प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख यही कहलाएंगे। देश के प्रथम नागरिक यही कहलाएंगे। ठीक। कार्यपालिका के प्रमुख, कार्यपालिका जो थी ना संघीय कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका के प्रमुख कौन होंगे? राष्ट्रपति होंगे, यही होंगे। लेकिन यहीं पर बता देता हूं, अगर कोई पूछ दिया संघीय कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख तो कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो ये होते हैं पीएम, ये होते हैं पीएम। ठीक। अच्छा, और इनकी बाई, अरे बाई लिख दिया, अरे वाइफ, पत्नी ना, ये देश की प्रथम महिला, देश की प्रथम महिला कहलाती है, फर्स्ट लेडी। अब आप पूछोगे, अगर मान लो कोई महिला राष्ट्रपति होगी तो उसके पति को देश का प्रथम पुरुष कहेंगे क्या? ऐसा प्रावधान नहीं है, है ना? ठीक है, अब ये बेसिक चीजें हो गई। आइए, संघीय कार्यपालिका आपने देख लिया, उसका प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 52 और 53। अनुच्छेद 52 सिंपल सा, देश में एक राष्ट्रपति होगा, देश में एक राष्ट्रपति होगा, मतलब राष्ट्रपति का पद कहां दिया हुआ है? अनुच्छेद 52 में। फिर आ जाओ अनुच्छेद 53, कुछ नहीं यहां। फिर अनुच्छेद 53, राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा, मतलब प्रमुख होगा। तो अनुच्छेद 53 में क्या विवरण मिलता है कि राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका के प्रमुख होंगे या फिर अध्यक्ष होंगे, यह अनुच्छेद 53 में। चौवन क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित लोग शामिल, मतलब राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख कहां है? अनुच्छेद 54, सिर्फ याद रहना चाहिए। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कहां है? अनुच्छेद 54। अब यह निर्वाचक मंडल होता क्या है ये जानना जरूरी है। निर्वाचक मंडल का अर्थ यह है कि जो राष्ट्रपति के चुनाव में जो जो भाग लेंगे वो निर्वाचक मंडल बनाते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक, अभी हम देखेंगे। राष्ट्रपति का चुनाव होता है, है ना? राष्ट्रपति देश का चुना जाता है, और राष्ट्रपति के जो चुनाव में जो लोग राष्ट्रपति को चुनने में शामिल होते हैं उनके समूह को क्या कहते हैं? निर्वाचक मंडल। ठीक। अच्छा, देख लो आप इसको, इस तरह से समझाना उत्तम नहीं है जो मैं अपने तरीके समझाता हूं। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख, निर्वाचक मंडल। अब निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होगा, एक प्रश्न ही बनेगा। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल तो एक ही वर्ड हम ये जानते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि सदस्य, संसद के किसी सदन में सदस्य कितने प्रकार के होते हैं? सदस्य या तो निर्वाचित होते हैं, या तो निर्वाचित होते हैं मतलब चुना गया, वोटिंग द्वारा चुना गया सदस्य होता है, या फिर मनोनीत होता है। राष्ट्रपति स्वयं उसे सीधे मनोनीत कर देते हैं, सदस्य बना देते हैं साइन करके, यही होते हैं दो प्रकार के। तो निर्वाचक मंडल का कीवर्ड क्या होगा? निर्वाचित। कीवर्ड क्या है? निर्वाचित, मतलब निर्वाचित सदस्य ही होंगे इस राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में, मनोनीत सदस्य नहीं होंगे। अब निर्वाचित सदस्य कहां कहां के? आपने चार प्रकार के सदन देख लिए, केंद्र में आपने लोकसभा देखा, राज्यसभा देखा, राज्य में आपने विधानसभा, विधान परिषद देखा। देखते हैं, पहला लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, कैसे सदस्य? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, यदि लोकसभा के मनोनीत सदस्य होते तो वो भाग नहीं लेते। और वर्तमान में अब हम जानते हैं कि लोकसभा में सदस्य मनोनीत नहीं किए जा सकते, क्योंकि आंग्ल भारतीयों का जो मनोनयन प्रतिनिधित्व है लोकसभा और विधानसभा में 104 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा उसे जारी नहीं रखा गया है, है ना? अभी नहीं है वर्तमान में। अभी वर्तमान में लोकसभा में सारे निर्वाचित सदस्य हैं और विधानसभा में भी सारे निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। दूसरा,
राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, राज्यसभा में निर्वाचित और मनोनीत दोनों होते हैं लेकिन राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे, ठीक। मतलब कितने सदस्य, 245 में 233 निर्वाचित होते हैं, 12 मनोनीत होते हैं, 233 लोग भाग लेंगे। आ जाते हैं फिर राज्य में, आ जाते हैं सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। बस इतना ही हुआ, निर्वाचित तो कीवर्ड है ही हमारा। सभी राज्यों की विधानसभा के 28 राज्य हैं, 28 राज्यों की विधानसभा है और वहां के विधायक भाग लेंगे, निर्वाचित विधायक। क्या चीफ मिनिस्टर नॉमिनेट होता, दूसरे मुद्दे में पहुंच गया, वहां मत जा अभी। वो विधान नागालैंड में जो कुछ सदस्यों का था ना वो, यहाँ पर इसका मतलब ये है कि सभी राज्यों के निर्वाचित सदस्य, ये मूल मुद्दा है, इसी को पकड़ेगा। फिर आ जाओ संघ शासित प्रदेश में आ जाते हैं। संघ शासित प्रदेशों में केवल दो ही राज्य हैं वर्तमान में जिसकी विधानसभा है, वो कौन कौन से, दिल्ली व पुदुचेरी। उसका नाम बदल दिया गया है, वो पुदुचेरी है अब, है ना, पुदुचेरी। दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, समझ गए, यही निर्वाचक मंडल में शामिल है, ये याद होना चाहिए। मैं इन दोनों को क्लब करके ये बोल सकता हूं कि संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, क्योंकि संसद के दो सदन ही तो हैं ये, संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली व पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। अच्छा, इसमें से ये जो दिल्ली व पुडुचेरी जो विधानसभा है ये शुरुआत से नहीं है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शुरुआत से नहीं थे, पहले यही थे बस। कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990। संविधान में एक संशोधन किया गया, जब दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाएं बन गईं तो क्या हुआ कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। प्रश्न बन जाएगा कि किस संविधान संशोधन द्वारा, ये 70वां बोलने का अर्थ क्या हुआ, इससे पहले 69 संविधान में संशोधन हो चुके हैं, ये 70वां था, कौन से वर्ष में हुआ, ठीक, ये याद रखना आपको। दूसरा, पहली बार किस वर्ष के राष्ट्रपति चुनाव में दिल्ली व पुडुचेरी के विधानसभा के सदस्यों ने भाग लिया, ये भी एक सवाल बन सकता है। 1997 संविधान में संशोधन करके जोड़ तो गया, दिया गया, लेकिन 1997 के राष्ट्रपति चुनाव में इन लोगों ने पहली बार भाग लिया, दिल्ली और पुडुचेरी ने, स्पष्ट है। और इस समय जो राष्ट्रपति जीते वो कौन थे, के आर नारायणन, ये राष्ट्रपति थे। प्रश्न बन सकता है, ठीक, निर्वाचक मंडल समझ गए, चलते हैं वापस। संसद के दोनों सदन लोकसभा, वो रिपीट हो रहा है, अरे यार सॉरी एक गलत बोल गया, 1992 है ना, वो जो ईयर बता दिया मैं वो क्या है, 1992 है। आइए, हाँ 1992 है वो, है उसमें 1990 बोल गया मैं। अब इधर आइए, ये देखो लिखा हुआ है। अब राष्ट्रपति का निर्वाचन होता कैसे है, हम ये तो जान गए कि राष्ट्रपति चुना जाता है, लेकिन हम जानते हैं कि निर्वाचन दो प्रकार से होता हो सकता है, एक हो सकता है प्रत्यक्ष, निर्वाचन दो प्रकार से होता है, एक होता है प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहेंगे, जब जनता 18 वर्ष से अधिक, 18 या 18 से अधिक आयु वर्ग जो है, जो मतदाता सूची
पत्र में शामिल होते हैं वो जब मतदान करते हैं किसी के चुनाव में और उस मतदान द्वारा कोई चुना जाता है तो प्रत्यक्ष निर्वाचित बोलेंगे उसको। लेकिन क्या राष्ट्रपति के चुनाव में आप लोग कभी वोट देने गए हो? इससे पहले निर्वाचक मंडल में शामिल हैं क्या हम लोग? नहीं। वहाँ तो वास्तव में जो विधानसभा के MLA हैं, विधायक, वो मतदान देने जाते हैं ना, और विधायकों को हम मतदान करके चुनते हैं। अप्रत्यक्ष हुआ, लोगों ने जिन्हें मतदान करके चुना है वो लोग राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करके चुने, अप्रत्यक्ष हो गया। तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है ये ध्यान रखना होगा आपको। मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते, कीवर्ड पहले ही बता दिया आपको, नहीं लेते। विघटित सभा के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान नहीं कर सकते। चलिए, अभी कल राष्ट्रपति का चुनाव होना है, मतलब राष्ट्रपति का चुनाव होना है और राष्ट्रपति ने छत्तीसगढ़ में राष्ट्रपति शासन लगा दिया, पूर्व राष्ट्रपति ने लगा दिया, 2 महीना पहले छत्तीसगढ़ में राष्ट्रपति शासन लग गया है। और किसी राज्य में जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो वो विधानसभा भंग हो जाती है। इसका मतलब है कि सरकार भी ख़त्म, विधानसभा भी ख़त्म, है ना? तो वो विघटित सभा विधानसभा हो गई, भंग विधानसभा हो गई। अब वो तो उसमें कोई सदस्य रहा ही नहीं, तो वो अब राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भी नहीं होंगे और राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान भी नहीं करेंगे, समझे? अबे कोई राज्य में लगा सकता है ना, तो उत्तर राज्य। अरे ऐसा थोड़ी है भैया, उसका आधार है यार, सब आपातकाल में हम पढ़ेंगे कि उस आधार पे ही लगाया जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि फिर केंद्र सरकार जो है राष्ट्रपति के माध्यम से जो है दुरुपयोग करे राष्ट्रपति शासन का। वो आधार है, लेकिन कई तो राज्य तो ऐसे भी हैं ना कि उस आधार में आ सकते हैं, जैसे अगर राज्य कई है। आधार जानते हो क्या है राष्ट्रपति शासन लगाने का? आधार युद्ध आधार है ही नहीं राष्ट्रपति के लिए, वो आपातकाल की दशा होती है, राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रपति शासन जो राज्य में लगता है वहाँ का आधार ये नहीं है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए दो ही आधार हैं, एक स्वयं अनुच्छेद 356 में, एक 365 में। 356 क्या है? यदि राष्ट्रपति को ये संतुष्टि होती है कि फलाना राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो रहा है, अर्थात शासन जो है वो संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। पहला उल्टा कर दो, 356 को 365 कर दो। दूसरा आधार, यदि केंद्रीय कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए निर्देश या आदेशों का राज्य उल्लंघन कर रहा है, पालन नहीं कर रहा है या पालन करने में अक्षम है, तो फिर ये भी आधार बन जाता है, राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा ही सकते हैं। और यही दो आधार है भाई, ये पुख्ता होना चाहिए ना, ऐसा थोड़ी कि हम अपने मन से लगा देंगे। और एक बात, चलो मान लो प्रधानमंत्री के सिफारिश पर राष्ट्रपति ने संतुष्ट हो गए कि हाँ भैया ऐसा हो रहा है, लगा दिया। तो मैं बता दूँ आपको कि जब लगाया जाता है किसी राज्य में ना, तो उस समय वहाँ की सरकार और विधानसभा निलंबित होती है, टर्मिनेट, बर्खास्त नहीं होती, निलंबित होती, सस्पेंड होती है ना? फिर 2 महीने के भीतर, 2 महीने का समय होता है उस तारीख से, 2 महीने के भीतर यदि राष्ट्रपति शासन का संकल्प यदि संसद के दोनों सदनों में पारित नहीं हुआ तो वो जो निलंबित हुए ना वापस जाग जाएंगे, विधानसभा एक्टिव हो जाएगी और मंत्रिपरिषद भी एक्टिव हो जाएगी। लेकिन अगर पारित हो गया फिर हो जाएंगे बर्खास्त, विधानसभा भंग हो जाएगी और मंत्रिपरिषद बर्खास्त। इसका मतलब जब भी राष्ट्रपति शासन हटेगा नया विधानसभा चुनाव होगा, नई सरकार बनेगी। ये है, तो क्या हो रहा है कि तुम आगे जा रहे हो लेकिन वो आगे वाला जो बेसिक अभी है ना वो नहीं पता है, इसलिए ऐसा हो रहा है। अभी जो मैं बका तुम लोग समझ में आया है? ये आगे के मुद्दे हैं,
जब आपातकाल पढ़ेंगे ना हम कखा गगा जानेंगे, है ना? क्लियर है? कोई शंका? निर्वाचक मंडल का कुछ रहता है? हाँ, क्या नहीं रहता है? देखा कहीं विधान परिषद? देखा निर्वाचक मंडल में विधान परिषद? देखा नहीं, नहीं लेते। दो याद रखना है आपको कीवर्ड, किसी भी सदन के मनोनीत सदस्य निर्वाचक मंडल में नहीं होते और किसी भी विधान परिषद के कोई भी सदस्य निर्वाचक मंडल में नहीं होता। जिसे आप बताया ना अभी कि उस समय के लिए ये हो सकते हैं, मतलब अभी ये नहीं हुआ है, भंग नहीं हुआ है, निलंबित है, निलंबित हो गए तो वो लोग वोट दे सकते हैं, वोट दे सकते हैं। हाँ, भंग थोड़ी हुआ है अभी, भंग कहाँ हुआ है, तो निलंबित है। भंग जब हो गया तब वो सदस्य ही नहीं है विधानसभा के, तो मतदान देने का अधिकार ही नहीं उनका, है ना भाई? किसी भी स्थिति में किसी भी सदन का सदस्य मतदान तभी कर सकता है जब वो सदस्य हो। अगर भंग हो गई किसी राज्य की विधानसभा, मतलब वो सदस्य है ही नहीं अब, तो मतदान करने का भी उनका अधिकार नहीं होगा। आते नो नहीं समझ में? क्लियर है? सर जैसे, हाँ तो सर जैसे क्या बोलते हैं उसको, राष्ट्रपति शासन लगा जैसे राज्य में, ठीक है, कितने दिन के अंदर भंग हो जाएगी? दो महीने का समय होता है ना, दो महीने में यदि संसद के दोनों सदन उस राज्य के राष्ट्रपति शासन के संकल्प को यदि पारित कर देते हैं तो भंग हो जाएगा। फिर जब भी एक महीना में अगर भंग पारित कर दिए तो भंग हो जाएगा, 15 दिन में पारित कर दिए तो भंग हो जाएगा, लेकिन 2 महीने का समय होता है, है ना? 2 महीने तक निलंबित रहते हैं, 2 महीने तक अधिकतम निलंबित हो सकते हैं। हाँ, केंद्र ही तो लगा रहा है, संसद नहीं लगा रहा है, केंद्र, केंद्र, केंद्र की ओर से कौन लगा रहा है? राष्ट्रपति। ठीक है, आगे आगे के मुद्दे पे चल दे रहे हो। वो हालांकि कहा है कि मेरी पकड़ इतनी है कि तुम कहीं भी घुस जाओ मेरा मुंह ओपन रहेगा, है ना? लेकिन क्या है ना कि आगे की स्थिति निश्चिंत रहो, जो 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 दवाई आपको जितनी डोज में जिस समय चाहिए मिलेगा, बराबर मिलेगा, है ना? चलो, अनुच्छेद 55, राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति। सीधा सीधा याद होना चाहिए आपको अनुच्छेद 55 में क्या, ये राष्ट्रपति का आर्टिकल आपको याद होने चाहिए। 52 में क्या है? राष्ट्रपति का पद, देश का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में क्या है? संघीय कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होगा। 54 क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, अंदर का कंटेंट जान गए। 55 राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति कैसी होगी वो समझते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव ये याद होना चाहिए, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाता है, ये तो पता है आपको, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। पद्धति देखो नाम क्या, आनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणी मत पद्धति के माध्यम से होता है। आई अपने आप रंग बदल गया है ना? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम एंड बाय सीक्रेट बैलेट। देखो मतलब ये आप याद रख लो, ये याद रख लो आप, ये मैं पीएससी में आऊंगा तो इसके डिटेल में जाऊंगा, यहाँ मतलब नहीं है। ठीक, अनुपातिक याद रखना है आपको, वो पद्धति क्या है राष्ट्रपति की, अनुपातिक या समानुपातिक भी इस्तेमाल कर सकता है ना। अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति के माध्यम से, और क्या होता है, जो मत दिया जाता है वो सीक्रेट होता है, मतलब आप ओपन नहीं होगा आपने किसको कैसा मतदान दिया है, गुप्त मतदान द्वारा होता है। और कैसा होता है? गुप्त मतदान द्वारा होता है। ये हो गया एक। राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए कुल मतों का आधे से अधिक 50%+1 मत प्राप्त करना अनिवार्य होता है, है ना? फिर यहां भी सवाल पूछोगे ना, आमतौर पे हमने क्या देखा है, मान लो यहां पर समारू, ये कोई चुनाव है लोकसभा का चुनाव, समारू दुकालू है ना, फिर कुंद्रू, फिर ये टेटका, ये 4 उम्मीदवार खड़े हैं, ये भाजपा का हो सकता है, कांग्रेस का, आपका, निर्दलीय, सब हो सकते हैं खड़े हैं यहाँ, और यहाँ पर 100 मतदाताओं ने 100 मतदाता हैं इस लोकसभा चुनावी क्षेत्र में, यही मतदान करेंगे, दिया
उसमें समारू को मिले 30, इसको मिले 25, इसको मिले 20, इसको मिले 5। मान लो सबसे ज्यादा किसको मिला? समारू। समारू निर्वाचित घोषित, जीत गया इलेक्शन, ये होता है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता है। देखो मैं एकदम डिटेल में नहीं जा रहा हूँ ना, क्योंकि मैं जाऊँगा ना तो केवल मेरे को पद्धति समझाने में 1 घंटा लगेगा, और वो समय की यहाँ के हिसाब से जो चलना है उसके हिसाब से सही नहीं, और आपको पूछेगा भी नहीं, है ना, इसलिए नहीं बता रहा हूँ। अगर पूछ सकता है तो मैं ज़रूर बताऊँगा। ठीक, आइए बस शॉर्ट में देखिए। मान लीजिए पूरे लोकसभा के निर्वाचित सदस्य सब मिलाकर मान लेते हैं अपन, ये 2000 मतदाता है मान लो, हालांकि ये होता नहीं है, वहाँ पे मतों की वैल्यू आती है ना, लेकिन मान लो समझाने के लिए 2000, ए बी सी इतने लोग खड़े हैं, इतने लोग खड़े हैं चुनाव में। मतदान जब हुआ तो पता चला कि इसको मिला है 990, इसको मिला है 500, इसको मिला है 100, इसको मिला है 50 मत मिला है। सबसे ज़्यादा किसको मिला है? ए को। लेकिन ए अब भी राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इससे पहले लाइन क्या है? अनिवार्य है। मतलब ये कि सबसे ज्यादा मत प्राप्त करने के बावजूद अभी ये राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं माने जाएंगे, नहीं जीता इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव। फिर आपने एक शब्द सुना होगा, एकल संक्रमणीय, सुना है वहां पर ट्रांसफरेबल, मतलब राष्ट्रपति चुनाव में मतों का हस्तांतरण हो सकता है, समझ रहे हो, ट्रांसफर हो सकता है। सबसे कम किसको मिला है? इसको मिला है, साला धीरे धीरे पहुंच तो वहीं रहा हूं, चलो ले ही लो। ये मतदाता पत्र है राष्ट्रपति चुनाव का ना, फिर वही लड़की है ना, कुंद्रू भाई है ना, हमर समारू मरकाम खड़े और दुकालू खड़े, ये लोग राष्ट्रपति चुनाव में खड़े हैं। ये 4 लोग मान लो खड़े हैं, तो यही बैलेट पेपर चाहे लोकसभा के सांसदों को जाएगा, चाहे विधानसभा के विधायकों को जाएगा, सबको बैलेट पेपर यही मिलेगा। लेकिन एक बात बताइए, क्या एसपी और डीएसपी बराबर है? नहीं। यहाँ पर एसपी कौन है? सांसद है ना। लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य बड़ा पद है, और एक राज्य का विधायक छोटा पद है, ये भी इसको भी ये इसका भी मत बराबर माना जाएगा, सांसद का मत बराबर माना जाएगा, तो ये तो गलत है, ये गलत है। देखो क्योंकि आप देखो एक लोकसभा क्षेत्र के अंदर पता चला 3-4 विधानसभा क्षेत्र हो सकते हैं, कैसे बराबर मान सकते हो आप ना। चलो इसको ऐसे समझो, तो मत मूल्य निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? मत मूल्य। एक सांसद का मत मूल्य, किसका मत मूल्य? सांसद का मत मूल्य। सांसद का मत मूल्य कैसे निकलता है? पहले विधायक का मत मूल्य। जैसे मान लो छत्तीसगढ़ राज्य में 90 विधायक हैं, तो छत्तीसगढ़ राज्य के विधायक का मत मूल्य निकाला जाएगा, मत मूल्य। अब ये कैसे निकलेगा? छत्तीसगढ़ के विधानसभा की कुल सीटें, छत्तीसगढ़ में कितने विधायक का कुल सीटें है ना, 90, और अपॉन छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या, छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या लिखेंगे, डिवाइड करेंगे, कुछ आएगा, ये एक विधायक का मत मूल्य निकलेगा, एक विधायक का मत मूल्य निकलेगा ऐसे। मतलब छत्तीसगढ़ विधानसभा की कुल सीटें अपॉन छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या इंटू 1/1000, ये भी भूल गया था मैं, इंटू 1/1000, ये फॉर्मूला है। क्या है ऊपर? छत्तीसगढ़ के विधानसभा के कुल सदस्य अपॉन छत्तीसगढ़ राज्य की कुल जनसंख्या इंटू 1/1000 इज इक्वल टू, ये आएगा कुछ, एक विधायक का मत मूल्य निकल जाएगा। 90 हैं तो क्या करेंगे, जो भी मत मूल्य आए इंटू 90, ये छत्तीसगढ़ के पूरे विधायकों का मत मूल्य निकल गया, ऐसे निकले, ये विधायकों का निकाल दिए। अब सांसदों का निकालते हैं। अब ये बोल रहा है कि सभी राज्यों के विधानसभाओं के कुल सदस्यों का मत के सदस्यों मतलब विधायकों के मत मूल्य का योग, विधायकों के
मत मूल्य का योग, मत मूल्य का योग मतलब छत्तीसगढ़ का जो आया इंटू 90 प्लस हरियाणा का जो आया इंटू जितना सीट है प्लस 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 पूरा कर देंगे जितने भी विधानसभा दिल्ली पूरी जी सब है ना, अपॉन संसद के कुल निर्वाचित सदस्य। क्या होगा फॉर्मूला समझ रख नहीं कि साफ करूं सर, पॉपुलेशन पर आए हैं पॉपुलेशन नहीं नहीं देखे एक बार चेक कर फॉर्मूला उसमें डाल है ये ना ये 1/1000 ही है चेक करना एक बार देख फॉर्मूला देख ऊपर दिया टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट दिया वो ये ठीक है ना ऊपर आएगा ऊपर है ये यहाँ की यहाँ जनसंख्या ये उल्टा हो गया का अच्छा राज्य की कुल जनसंख्या अपॉन कुल विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य याद रहे निर्वाचित सदस्य ही निर्वाचक मंडल में होते तो निर्वाचित सदस्य मनोनीत नहीं होंगे ठीक ये सही होगा ठीक आपके नोट्स में है फॉर्मूला आएगा यार अपॉन संसद के कुल निर्वाचित सदस्य मतलब लोकसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य निकल जाएगा। अब देखो कुछ इस प्रकार से होगा ये ए आई ए अरे अब देखो मान लेते हैं कि ए को अब देखो हम लोग 543 लोकसभा के निर्वाचित सदस्य 233 राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य कितना हो गया 776 सांसद ना, और मैं बता दूं पूरे विधायकों को मिलाओगे ना तो लगभग 4120 विधायक भाग लेते हैं इतने विधायक होते हैं सबको वही ABCD वाला ये पूरा नाम सहित बैलेट पेपर दिया जाएगा और सबको कैसे मतदान करना होता पता है किसी एक को मतदान नहीं करना है प्राथमिकता में देना है जैसे एक को लगता है कि भाई मेरा सबसे उचित कैंडिडेट ये है नंबर वन इसी को राष्ट्रपति बनना चाहिए लेकिन जरूरी थोड़ी है कि उसके हिसाब से नंबर वन तो सबके हिसाब से हो वो चुनाव जीते अगर ये नहीं जीत पाया तो दूसरे क्रम पर किसको राष्ट्रपति के रूप में देखना चाहेगा इसने इसको दे दिया दो इसको तीसरा रख दिया इसको चौथा रख दिया मतलब प्राथमिकता सबके सामने डालनी होगी ऐसा मतदान राष्ट्रपति का ही होता है ऐसे विधायक और लोकसभा चुनाव ऐसे नहीं होता है आपको केवल एक ही को टिक करना है ना लेकिन यहाँ ऐसा होता है ठीक। अच्छा जब पता चला अब देखो कैसा हुआ मान लो अब आप प्रतिशत में बात करता हूं ना मैं कैलकुलेशन वैलकुलेशन मेरे बस का नहीं है मान लो कुल जितने मत थे उसमें 45% इसको मिला पहली प्राथमिकता मतलब ए को मिली इसको मिला 40 इसको मिला 10 इसको मिला 5 ये परसेंटेज क्या है पहली प्राथमिकता ना कि बैलेट पेपर में पहली प्राथमिकता इसको कितने प्रतिशत बैलेट पेपर में मिली 45 ये चुनाव का पहली बार में जब काउंटिंग हुआ रिजल्ट आया लेकिन क्या बोल रहा है वो 50% से ज्यादा मत प्राप्त नहीं करेगा तो राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं हो सकता मतलब निर्णय तो अभी भी नहीं हो रहा और क्या राष्ट्रपति का चुनाव क्या ये संभव है क्या आप इसकी गारंटी ले सकते हो कि हर बार जब राष्ट्रपति का चुनाव हो तो ऐसी स्थिति ना हो ये तो हर बार हो सकता है 10 बार कराओ 10 बार हो सकता है तो इस प्रकार से राष्ट्रपति का चुनाव मजाक बन जाएगा तो एक ही बार चुनाव होगा वो संक्रमणी मत देखो सबसे कम किसको मिला है इसको मिला है सबसे कम ये बाहर हो जाएगा रेस से इसके बैलेट पेपर निकाल लेंगे बाहर 100 में मल मान लेते तो 5 बैलेट पेपर है इसका 5 बैलेट पेपर ऐसे हैं जिसमें डी को पहली प्राथमिकता मिली इसका मतलब वही हो ना 100 में से 5 ऐसे हैं जिसमें डी को पहली प्राथमिकता ना लेकिन इसके पांचों बैलेट पेपर में हम देखेंगे अरे गलत लिखाऊं डी को नंबर वन है हो सकता है इसके एक बैलेट पेपर में 2 हो ए ये 3 हो और ये 4 हो दूसरे बैलेट पेपर में देखते हैं फिर भी कॉमन क्या है डी को पहली प्राथमिकता है पता चला यहाँ सी को दूसरा दिया है बी को चौथा दिया है और ए को
तीसरा दिया है। अब क्या करेंगे, इसके बैलेट पेपर में जिसको दूसरी प्राथमिकता मिली है, जैसे ए को मिला एक, सी को मिला एक, संख्या काउंट करेंगे, पता चला कि ए को केवल इसके 5 में से 2 बैलेट पेपर में पहली दूसरी प्राथमिकता है, जोड़ दिए। यहाँ आते हैं, पता चला 3 बचे, 3 में दूसरी प्राथमिकता इसको है, तो अब कितना हो गया, 47, 43, अभी भी नहीं हुआ, अभी भी हो रहा है कि 50% ज़्यादा। अब इसकी बारी, तीसरे नंबर पे है, इसका बैलेट पेपर निकालेंगे और फिर इसमें दूसरी प्राथमिकता में जो है बांट देंगे ए बी को, फिर उसमें पता चला कि 10 बैलेट पेपर में 9 में दूसरी प्राथमिकता इसको मिली थी, 1 में इसको मिली, इस प्रकार जो पहले लीड कर रहा था पिछड़ गया और ये क्या हो गया, 52, ये जीत गया राष्ट्रपति चुनाव, समझे, समझे कि नहीं है। मैं चाह नहीं रहा था क्योंकि भाई इतना से मैं ये समय खाने वाला है, इसके पहले सर जो बता रहे थे ना कि एमएलए और उसका, हाँ मैं समझ गया, मैं वहीं आने वाला था। मान लेते हैं ए और बी, ये दो कैंडिडेट बचे लास्ट में, 776 सांसद और 4120 विधायक हैं, एमएलए हैं और ये कौन है, एमपी। ए को 500 सांसदों ने, 500 एमपी ने वोट किया है ए को, और बी को केवल 200 सांसदों ने वोट किया, सांसद है, ये सांसदों का वोट मिला इसको। जब एमएलए की बारी आती है तब पता चलता है कि इसको जो है मात्र 1600 विधायकों ने वोट किया और इसको 2000, इसको नहीं 2400 विधायकों ने वोट किया। अब एक एक मत वैल्यू अगर काउंट करेंगे तो 500 सांसदों का इसको मिलाकर कितना हुआ, 2100। अगर यहाँ एक एक काउंट करेंगे तो कितना हो गया, 2600। ऐसे तो हमको बी जीतता हुआ नजर आ रहा है, इन्हें गलत है। अगर हम देखेंगे तो हम देखेंगे, जब सांसदों की बात करेंगे तो देखेंगे कि 500 सांसदों ने इसको चुना है। अब मान लो पूरा मत वैल्यू निकला तो जाहिर सी बात है सांसद से विधायक का मत मूल्य कम ही होगा। मान लो सांसद का मत मूल्य है 4, ये सांसद का मत मूल्य निकला मान लो ना, और एक एमएलए का मत मूल्य हम मान लेते हैं एक ही होगा, एक निकला, इजी करने के लिए बोर्ड कॉल कर रहा हूँ ऐसा। चलो अब मत मूल्य से इंटू करते हैं, 500 इंटू 4 कितना हुआ, 2000, 1600 इंटू 1 1600 कितना हो गया, ये 3600। इधर कंट्री 200 इंटू 4 800 प्लस ये 2400 ही रहेगा, अब जोड़ो इसको 3200। अब ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दिख रहा है, इस प्रकार से ए जीतेगा। एक सांसद और एक विधायक के मत मूल्य को हम एक बराबर नहीं मान सकते, क्योंकि सांसदों ने उसको ज़्यादा वोट दिया था तो उसका मत मूल्य भी ज़्यादा आएगा, और जब पूरा जोड़ निकला तो वो ज़्यादा हो गया, स्पष्ट है। आए ये सब की उतनी आवश्यकता नहीं है वैसे, आए वहाँ डिस्क्राइब करने के लिए आ सकता है तो लिख सकते हैं, आ सकता है उसकी मर्जी, फिर बोल देगा एक्सप्लेन कीजिए, 8 नंबर में दे देगा पूरा, हाँ पूरा एक्सप्लेन कीजिए तो आप, हाँ तो ऐसा कर सकते हैं आप, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, विल मीट डे आफ्टर टुमारो, मीन्स दैट इज ऑन मंडे, अरे मंडे क्या, 7, 8, 9 तो छुट्टी देना ही पड़ेगा, कोई आएगा नहीं, लेकिन मंडे को क्लास लिया जा सकता है, है? हाँ वही तो है ना, मंडे को क्लास होगी, हम सीधे टेस्ट जो है वो अब वो जो होली के बाद रिज्यूम होगी ना 11 से, तब वो द फ्लो में चलेगा और टेस्ट फिर कंटिन्यू कर देंगे।